नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कई बार अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा ऐसे बयान भी दिए गए जिन्हें लोगों ने भड़काऊ कहा, और इन बयानों को लेकर देश के दूसरे नेताओं ने उनकी आलोचना भी की। लेकिन बावजूद इसके थोड़े थोड़े समय के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उनका नाम उछाल देते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस बार CAA के विरोध में हैदराबाद में हो रही एक जनसभा को संबोधित करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिन पर विवाद खड़ा हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आखिर कहा क्या है, पहले उनके इस बयान को सुन लेना चाहिए और फिर इस खबर के दूसरे पहलुओं की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है, ना मेरी जागीर है, ना मोदी की जागीर है। इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का जितना हक है उतना ही हक नरेंद्र मोदी का। इस मुल्क पर सर पे टोपी पहनने वाले का जितना हक है उतना ही हक माथे पे तिलक लगाने वाले का। जितना चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है उतना ही ये मुल्क सर पे पगड़ी पहनने वाले सिख का। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है, और इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने अपनी टिप्पणी में यह तक कह दिया कि हिंदुस्तान में यह सब तुम्हारे बाप ने नहीं बनवाया है बल्कि हमारे बाप दादा ने बनवाया है। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूँ तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत के निशानियां मौजूद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद में एक बार फिर विवादित टिप्पणी की। हैदराबाद की एक सभा में ओवैसी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने पहुंचे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कागज देखने के लिए घर आए उनसे कह दो कि हमने इस देश में 800 साल तक राज किया है, ये चार मीनार मेरे बाप दादा ने बनवाया है, तेरे बाप ने नहीं। मेरे आबाजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबाजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद तू कागज क्या मांग रहा है, देख ले वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबाजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। लाल किले की वो मजबूत फसील कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसी भी हाल में CAA वापस नहीं होगा। दंगे की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप पेमेंट बिल वापस नहीं होने वाला। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी AIIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और हैदराबाद से विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयानों में सरकार की आलोचना करते रहते हैं। CAA के मुद्दे पर भी ओवैसी ने काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन बावजूद इसके
असदुद्दीन की भाषा में कभी भी इस तरह की बातें नहीं आती है जिसे लेकर एक विवाद खड़ा हो। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी पर लगातार अपने भाषणों के जरिए कट्टरवाद फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देकर अकबरुद्दीन ओवैसी खबरों में आ गए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।